आप लोग इधर आया कितना दिन हुआ? हमारे को इधर जी 3 महीना हो गया। नाम क्या है आपका? राजेश। राजेश क्या? हाँ, राजेश कुमार। कहाँ का रहने वाले हैं? हरियाणा। हरियाणा? हाँ। हरियाणा का कौन सा गांव? गांव छारा है जी, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर है। कितना दिन हुआ इधर? 3 महीना सारा हो गया। 3 महीना। क्या काम करते हैं? हम जी ये जूता चप्पल बेचने के लिए आए थे, लेडीज। अभी कैसा हालत है? अब तो जी मना ही हो रहा है, थोड़ा हाँ बंद कर दिया था, 15 दिन हो गया कम से कम। खाना बंद है? हाँ। नहीं दे रहे? थोड़ा हाँ, वो एक यूनियन है जो मजदूर यूनियन का, उधर से मिल रहा है। कौन सा यूनियन दिया? CI2। CI2 ने दिया? हाँ जी, उधर से। कितना दिन दिया आप लोगों को? वो तो बोलते हैं जब खत्म हो जाए तब तो फिर ले जाना। खत्म होने से उन लोग आके देते हैं? लेके आना पड़ता है जी। लेके आना पड़ता है? हाँ जी। तो ऐसा आप लोग क्या चाहते हैं क्या अभी? हम ये चाहते हैं जी हम अपने घर चले जाए, हम बच्चों वाले हैं, बच्चे भी वहाँ परेशान, हमारे भी घर, हम भी परेशान हैं यहाँ से। घर जाना चाहते हैं? घर जाना चाहते हैं सर। तो अभी गवर्नमेंट के पास कुछ बोला आप लोग जाने के लिए, ऐसे कुछ पोर्टल में कुछ एंट्री उंट्री? गवर्नमेंट को जी हमारे आधार कार्ड लिया था, नाम पता सब एंट्री करी थी उनने। हाँ। तो फिर एक पर्ची भी दिया था हमारे को, बोले भाई तुम्हारी जो भी जैसी भी सुविधा होगी हम कर देंगे जाने का बोला। SDM ने बोला ना? DM? SDM ने तो 15-20 दिन होगा जी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई नहीं हुआ? अभी आपका उधर कुछ किया पोर्टल में आपका झारखंड में? हरियाणा? हाँ, उधर भी बेरा दिया हमने जी। कुछ नहीं उधर से? कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा। तो कितना आदमी है आप लोग इधर? हम 4 तो हरियाणा का है जी, और 8 बंदे हैं ये यूपी के हैं। यूपी के सब लोग एक ही साथ जूते ही बेचते? हाँ, 2 कमरे में है जी। ठीक है। हाँ। नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद है। कहाँ का रहने वाले हैं? खरगपुर, जगतपुर जिला। जलम मुरादाबाद है। मुरादाबाद यूपी? यूपी। क्या नाम है आपका? दिलशाद। दिलशाद, तो कितना दिन हुआ इधर आए? हमको हो गए 3 महीने से ज्यादा हो चुका। क्या करते हैं आप लोग? हम साइकिल बाइक का पंपर बेचने आए थे। साइकिल का पंपर? हाँ। तो बिजनेस तो अभी बंद है ना? पूरा बिजनेस बंद है। तो आप लोग को गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिला? गवर्नमेंट से CID ऑफिस से हमको खाना मिला था। कौन सा ऑफिस? CITU? CID ऑफिस, वहाँ से खाना मिला था हमको। 10 दिन का एक दिया और 8 दिन का एक दिया था हमको। तो अभी क्या चाहते हैं आप? हम घर चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं, किसी तरह से हमें घर पहुंचा दो। घर पहुंचाइए, घर जाना चाहते हैं। तो और घर जाने के लिए SDM के साथ बात उत किया कुछ किया? हमने SDM के साथ दिए थे, हमसे हमसे कही अपना फॉर्म भरो, अपना जिला मुरादाबाद लिखो, अपना गाँव का पता लिखो, नाम लिखो, बाप का नाम लिखो, ID सब लिख के हमने DM के यहाँ दिया। कुछ अभी तक कुछ अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? कुछ भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो जाने का कुछ मैंने अभी कुछ नहीं हुआ जाने के लिए। ठीक है। क्या नाम है आपका? यासीन। क्या करते हैं? साइकिल पंपर बेचते हैं। तो अभी चाहते हैं क्या आप लोग? घर जाना चाहते हैं बाबूजी, हमारे बच्चे घर रो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, हम यहाँ परेशान हैं। अब खाने के लिए हाँ कोई सुविधा भी नहीं दे रहा है यहाँ। कोई हेल्प नहीं किया आप लोगों को? पीछा हुआ अब बाबूजी 8-10 दिन से कोई हेल्प नहीं हो रही हमारा यहाँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारा। तो पहले मिला मदद? हाँ, पहले मिला था बाबू, जो मिला था वो आपको बता रहे हैं। क्या मिला, कौन किया आप लोगों को मदद? CID। CITU। CITU। कितना दिन किया आप लोग को? 10 दिन एक मिला, 8 दिन एक मिला, 8 दिन का एक मिला, 10 दिन का एक मिला था। अरब भी बोला उन्होंने? अरब फिर भी बोल रहे हैं। जिस दिन नहीं हमारे सोच खाने के लिए नहीं था, हम एक दिन भूखा रहा, हमने उनको फ़ोन करा तो उन्होंने हमको 2 आदमियों को बुलाया, 2 आदमी बुला के जब उन्होंने थोड़ा हमें खाने के लिए दिया, जब हमने उनको बनाया खाया, अब फिर हमारे पास खाने के लिए नहीं गया। आज फिर हमारे 2 आदमी मिल गए हैं उनके धोरे। कोई अभी सिर्फ घर जाना चाहते हैं? बिल्कुल बाबू जी, हम तो घर जाना चाहते हैं। बिजनेस पूरा बंद है? बिल्कुल, हर चीज़ बंद है बाबू जी, कुछ नहीं। ठीक है। अब तो खाने में भी यार हर चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं मिल रहा हमको, अब ज़्यादा दुखी हो गया। ठीक है।